दोस्तों, सनी देओल के लिए ये साल बहुत ही खास रहा। इस साल सनी देओल की लाइफ में बहुत ही चेंजेस आए, उनके करियर को भी एक नई उड़ान मिली। उनके बेटे करण देओल एक नए बंधन में बंधे। साथ ही धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी यानी सनी देओल की सौतेली माँ हेमा मालिनी अपनी सौतेली बहनों को भी लेकर मीडिया से खुलकर बात की। आपको हम बता दें, गदर 2 की स्क्रीनिंग में भी ईशा देओल और आहना देओल सनी और बॉबी के साथ नजर आईं, जिससे लोगों को लगा कि इन लोगों की आपसी मतभेद खत्म हो चुकी है और सनी देओल सब कुछ भुलाकर अपनी सौतेली माँ और बहनों को अपना चुके हैं। पर हाल में ही हुए गदर 2 के सक्सेस पार्टी में पूरा बॉलीवुड पहुंचा, पर सनी देओल की सौतेली माँ और बहन ना पहुंचने के कारण सोशल मीडिया पर कामा मचा हुआ है। हेमा मालिनी और ईशा देओल सब गिले शिकवे भूलकर सनी देओल की तारीफों के पुल बांध रही हैं और देओल फैमिली से अपनी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। वहीं सनी देओल अपने पिता धर्मेंद्र के दूसरी फैमिली से फिर से दूरियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि दोस्तों, हमने आपको बताया कि गदर 2 सक्सेस पार्टी में ईशा और हेमा मालिनी नहीं पहुंची, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। इस कारण सनी देओल के फैंस के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर पूरा बॉलीवुड इस पार्टी में शामिल हुआ तो उनकी माँ और बहन क्यों नहीं शामिल हुई, सनी देओल ने ऐसा क्यों किया। ऐसा ही उन्होंने अपने बेटे करण देओल की शादी में भी किया था। बहुत से लोगों को शादी में इनवाइट किया, पर अपनी सौतेली माँ बहन को भूल गए और जिसका पछतावा उनको बाद में बहुत हुआ। इस बात को लेकर धर्मेंद्र से उन्होंने माफी भी मांगी और उन्होंने ये गलती फिर से दोहराई है। दोस्तों, धर्मेंद्र क्या करेंगे, बॉलीवुड को पार्टी में इनवाइट करके अपनी माँ और बहन को इनवाइट करना भूल गए। इस बात का दुख धर्मेंद्र को बहुत हुआ। धर्मेंद्र फिर से माफ कर पाएंगे सनी देओल को, जानने के लिए हमारे चैनल से बने रहें। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।